आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब पर, यानी घन क्या होता है। देखिए, आपने कभी तो लूडो खेला ही होगा, जो डाइस होता है उसी को घन कहा जाता है। घन वही आपकी लूडो की जो डाइस है, यानी जो गुट्टी होती है, उसी को घन कहा जाता है। घन में क्या होता है, छह फलक होती है। अब छह फलक कैसे होते हैं, उसमें देखो, एक से लेकर छह अंक तक होता है, फिर एक होता है, फिर दो, तीन, चार, पाँच, छह होता है ना। तो घन में क्या होता है, छह फलकें होती हैं और छह भुजाएं होती हैं इसमें। अब इसके बाद देखिए, इसका जैसे मान लीजिए घन है, इसमें सवाल कैसे कैसे पूछता है। पहले पूछेगा घन का आयतन बताइए, या फिर पूछेगा घन का विकर्ण बताइए, या फिर पूछेगा घन का क्षेत्रफल बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। तो यहाँ पर जो घन का, जैसे मान लीजिए कि इस ए ए इसकी साइड से दिया है, भुजा दिया है, मान लेते हैं कि ये 4 मीटर, कितना है, चार है, ये चार और ये भी चार है, कह दे घन है और इसकी चार भुजाएं चार, यानी कि जो इसकी भुजाएं दी गई हैं वो 4 मीटर दी गई हैं, बताइए घन का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले हमको घन का फार्मूला पता होना चाहिए। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। मतलब हमको घन का अगर आयतन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, तो हमको साइड्स का घन करना पड़ेगा, तो जाके हमारा घन का आयतन निकलेगा। अगर मान लीजिए हमको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमको 6 गुणे भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा। 6 गुणे भुजा का स्क्वायर अंग्रेजी में लिख सकते हो 6a² ठीक है। 6 गुणे भुजा का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने का। 6 इसलिए लिखा गया क्योंकि जो घन है उसमें 6 फलकें होती हैं। आप जानते हो लूडो की जो गुट्टी होती है डाइस, उसमें 6 होता है। सबसे अच्छा उदाहरण वही है ही समझने के लिए। अब ये हमारा 6 गुणे भुजा हो गया स्क्वायर। इसके बाद एक चीज़ और पूछता है, कहता है घन का विकर्ण बताइए। तो जो घन का विकर्ण निकलेगा यहाँ से, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 गुणे भुजा, क्या होता है, √3 गुणे भुजा, √3a ठीक है। बस इस यही तीन चीज़ हमसे पूछेगा कि बताइए घन का आयतन क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण क्या होगा। इसके अलावा घन से संबंधित कोई सवाल नहीं पूछी जाएगी। आपके जो चैप्टर है वो, अगर आप पूरा फार्मूला को नोट करते चल रहे हैं और ध्यान से समझते चल रहे हैं, तो आपको चैप्टर लगाने में बहुत मज़ा आएगा। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए ये दिया है और कह दे कि हमको आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब इस भुजा का आयतन, जो घन बना है घन का आयतन निकालना है। तो यहाँ से घन का आयतन कैसे निकलेगा, भुजा का क्यूब, 4 का 3 बार, 4 × 3 = 12 ना, गलत हो जाएगा, 4 को 3 बार लिखेंगे हम, जिस पर जितनी घात उसको उतनी बार लिखेंगे। 4 × 4 = 4, 4 × 16 = 64 m³ होगा ठीक है, 64 m³ होगा। ये हमारा क्या आ गया, यानी वैल्यूम ऑफ क्यूब का, यानी घन का आयतन आ गया। अगर मान लीजिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर लगाना है, 6 × a³, ए मतलब भुजा का, ए स्क्वायर होता है, 6 × 4 = 16, 4 × 16, 4 को 2 बार लिखेंगे ठीक है। आप इसको 4 × 4 लिखेंगे, नहीं आप 4 × 2 = 8 भी कर सकते हैं, तो ऐसे करेंगे, 6 × 4 = 24, 6 × 96 m². ये हमारा क्या आ गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हमको लिखना पड़ेगा 6 × 2 = 6। आप इसी से याद रखेंगे कि जो लूडो की गुट्टी होती है, डाइस होती है, उसमें 6 गिनती होती है, इसलिए यहाँ पर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो 6 × 2 ² करना पड़ेगा। अब घन का हमको विकर्ण निकालना है, जो विकर्ण है ये ऐसे ऐसे आएगा ऐसे, तो विकर्ण निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर √3 × भुजा, जैसे √3 और भुजा इसकी कितना है 4, बस इसको हम 4 को पहले लिख देंगे, 4√3 m। ये हमारा क्या गया, भुजा का, यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये बढ़िया समझ में आओगा, और इसकी सवाल भी बता चुका हूँ। जैसे कह दे कि एक बक्सा है और उसकी कोर दी गई है, कोर मतलब क्या होता है, भुजा होता है साइड से। कह दे कोई बक्सा है, बक्सा आप देखे हो वो घन के आकार का होता है, कह दे उसकी भुजा 3 मीटर है, क्या कह दे, बक्सा की जो कोर है वो 3 मीटर है, कोर ही लिख लीजिए आप, कोर, कोर मतलब क्या होता है, भुजा होता है साइड्स होता है, 3 मीटर है, कह दे इसका आयतन क्या होगा, तो 3 को हम 3 बार करेंगे, क्योंकि घन का आयतन या बक्से का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, बस 3 का 3 बार, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27 हो गया मीटर क्यूब ठीक है। इसको जरूर लिखना, मीटर क्यूब, 3 × 3 = 9, 3 × 27।
या तो बक्से से संबंधित पूछेगा या तो घन ही सीधा दे दिया रहेगा, ठीक है। और इसमें की कोई सवाल नहीं पूछी जाती। इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप एक उदाहरण के तौर पर इस सवाल को आप लगा सकते हो। इसके बाद अगला वीडियो आएगा पार्ट फोर, उसमें मैं आपको बताऊंगा घनाभ क्या होता है, कमरे में जो हवा भर जाती है गुब्बारे में ये सब कैसे निकाला जाता है, वही बताऊंगा। संदूक होता है, संदूक का आयतन कैसे निकाला जाता है। उसके बाद फिर आपका पूरा फार्मूला समाप्त हो जाएगा, फिर हम चैप्टर पे पहुंचेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।